माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त होंगे। तो देखिए, जय माता दी फ्रेंड्स, आपको बताऊं कि कितना टाइम किए, अभी लगभग 9:45 होने वाला है और 9:45 मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और सब लोग सुबह ही 7 बजे खा पी के चले गए थे और आज हमने ब्रेकफास्ट में बनाए थे आलू की भुजिया, पराठे, चाय और अमरूद की चटनी। तो सब लोग खा के पैक करके चले गए और यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे दूध वाले भैया भी आ गए हैं दूध लेके। तो चलिए पहले हम दूध ले लेते हैं। ये देखो, दूध ले लें पहले। आ रहे भैया। हमारा दूध आ गया है, इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। और आज देखिए क्या काम करना है। आज चना की दाल है, इसको हम भिगो दें पहले। सबसे पहले तो हम ये लाइट जलाते हैं और पहले आप मेरे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। मेरी सरस्वती माता हैं और ये मेरी जोगनी माता हैं, ये हमारे भगवान जी हैं। इनको आप जय माता दी, राधे राधे, जो भी आपको बोलना आप बोल सकते हैं कमेंट में। और यहाँ पर देखिए, ये सब इनके दर्शन करने के बाद चलिए अपना काम करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बिना काम रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, वही वाली बात है। तो देखिए, पहले ये कल मैंने चने की दाल मंगाई थी और इसको भिगोना भूल गई थी, क्योंकि मुझे इस चने की दाल का बनाना है नमकीन। चने की दाल की नमकीन बनानी है, इसके लिए हमें इसको पहले भिगोना पड़ेगा जी। देखिए, तो मैं ये सारी दाल भिगो दूंगी। ये देखो, ये लगभग 1 kg चना दाल है और ये बाजार की ली हुई चना दाल है। घर पे मेरे चना की दाल रखी है, लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं बनाना चाहती हूँ क्योंकि वो देसी दाल है और ये मुझे थोड़ी बड़ी साइज की लग रही है और ये भीगने के बाद काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो दाल मोट बड़ी बड़ी अच्छी लगती है। देखो, तो फिर यहाँ पे दूध को रख दे रहे हैं, दूध को उबलने को भी चढ़ाएंगे। इससे पहले हम चने की दाल को भिगो लेते हैं। लीजिए भैया, पानी डालेंगे। ये लीजिए, हमारी दाल भीग गई। अभी हम इसमें इसको हम 6-7 घंटे के लिए भीगने देंगे और इस दाल को हम 6-7 घंटे के लिए भीगने देंगे और इसको ऊपर तक हम पानी भर देंगे ताकि ये हमारी अच्छी सी दाल भीग जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसमें हम चने की दाल में नमक डाल देंगे ताकि हमारी दाल अच्छी तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी। और थोड़ा सा सोडा डालेंगे, थोड़ा सा इसमें, देखिए इतना नमक डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें सोडा डालेंगे। सोडा डालने से भिगोएंगे तो इसमें से क्या होगा कि इसको हम बाद में धोएंगे जब हमारी दाल भीग जाएगी। सोडा डालने के बाद ये दाल हमारी नमकीन जो बनेगी वो बहुत ही अच्छी और मुलायम बनेगी। थोड़ी सी एक चुटकी हम सोडा डाल देंगे। तो देखिए, ये ऐसी जो नमकीन की पन्नियाँ आती हैं, पैकेट्स आते हैं, तो ये जिप एंड टाई होते हैं, देखिए आप देख रहे होंगे। तो ये इनको आप फेंका मत करिए, इनसे आप
खूब अच्छे इसमें आप सामान रख सकते हैं जिनमें मसाले वगैरह हवा क्रॉस वगैरह नहीं होती, तो इनको मैं इस्तेमाल करने के लिए रख लेती हूँ, इनको मैं फेंकती नहीं हूँ। मार्केट में आप ऐसे खरीदेंगे तो बहुत महंगे कॉस्टली मिलते हैं, तो हमको फ्री में मिलता है तो हमको इसको लेने में क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए ये देखो मैंने इसमें अपने मसाले ऑर्गेनाइज करके रख रखे हैं ताकि इनमें हवा ना लगे, और इसी में हमने अपना सोडा भी रख रखा है। तो देखिए ये हमारा सोडा है, ये है हमारा सोडा जी, और बहुत ही पुराना सोडा इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं पहले सोडा डाल दूँ फिर आपसे बात करती हूँ। देखिए इतना सा चुटकी सा सोडा है बस, इसको हम इसमें ऐसे मिला देंगे तो हमारी दाल अच्छे से नरम भीग जाएगी और बढ़िया अच्छी सी सॉफ्ट बनेगी। और हाँ अक्सर हम क्या करते हैं कि अपने जो दाल वगैरह धोते हैं तो उनका पानी पौधों में डाल देते हैं, लेकिन हमें इसका पानी पौधों में नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम इसका पानी पौधों में डाल देंगे तो इससे इसमें सोडा पड़ा हुआ है और इसमें हमारे पौधे गल जाएंगे। तो आप इसको पौधों में नहीं डालिएगा। तो अब हम मिलेंगे 6-7 घंटे बाद, जब तक मैं अपना घर का बाकी काम जो भी है डेली मर्रा का वो निपटा लेती हूँ। पानी को ढक दें और इस दाल को भी हम ढक के रख देंगे लगभग 6-7 घंटे के लिए। इधर मैंने दूध अपना उबलने को चढ़ा दी हूँ और ये हम इसको मैं ऐसे जालियों से ढक दूँगी, इससे कोई कीड़ा मकौड़ा नहीं गिरेगा, और गैस की फ्लेम मैं बिल्कुल धीमी कर दूँगी और दूध हमारा पक जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ आज चीज़ दिखाती हूँ जिसको हम लोगों को जल्दी से नहीं मिलता है। मार्केट में तो मिल जाता है लेकिन जो देसी चीज़ होती है वो नहीं मिलती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेड़ से जो टूटे हुए अमरूद होते हैं, और देखिए हमारे यहाँ कितनी तेज़ धूप है, आज बहुत तेज़ धूप निकली है, गर्मी बहुत है, पानी बरसने के बाद बहुत तेज धूप निकलती है। देखिए देखो कितने सारे अमरूद, कच्चे कच्चे अमरूद, किसको अच्छे लगते हैं कच्चे कच्चे, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं कच्चे कच्चे अमरूद। और पके जो अमरूद होते हैं ये पेड़ से ही डायरेक्ट गिरे हैं, जो पके अमरूद होते हैं उनमें इन दिनों आजकल कीड़ा भी आने लगता है, हरे में भी कीड़ा होता है, लेकिन इसको हमें अधिकतर काट के छाट के अच्छी तरीके से खाना चाहिए। तो इसीलिए देखिए हमने ये अमरूद, इतने सारे अमरूद मुझे 50 रुपये के मिले हैं, तो इनकी तो हम तो खूब अच्छी तरीके से चटनी वगैरह बनाएंगे। गाँव में अधिकतर जो पेड़ वेड़ के नीचे तोड़ते हैं तो मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है, और कच्चे इसलिए लिए कि वो कुछ दिन बाद ऐसे ही पकने लगेंगे, थोड़ी कुछ दिन क्या 2-4 दिन के हैं, फिर धीरे धीरे वो पकते रहेंगे। चलिए एक अमरूद हम टेस्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक अमरूद अपने भगवान जी को चढ़ाएंगे, अच्छा सा क्यूटू क्यूटू सा अमरूद चढ़ाएंगे। बहुत ही टेस्टी में मीठा है, बहुत मीठा सा है, कच्चा भी है और मीठा मीठा भी है, ऐसा नहीं कि बहुत कड़वा वगैरह हो, कड़वा नहीं है फ्रेंड्स।
देखिए इसको मैंने कई बार पानी में पानी से वाश कर लिया था, फिर उसको मैंने 3-4 घंटे के लिए पंखे के नीचे, धूप में नहीं सुखाना है, पंखे के नीचे मैंने इसको निकाल दिया था। बिल्कुल धूप में सुखा देंगे, अगर हम इसको धूप में सुखा देंगे तो दाल बिल्कुल सूख जाएगी, लेकिन इसको हमें सुखाना नहीं था, हमें हल्का सा पानी इसका निथर जाए तो मैंने ऐसे किया। और देखिए ये आप देख रहे होंगे इसमें हल्की सी नमी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे तो लगभग, चलिए इसके लिए मैंने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ और आप चाहें तो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी ये नमकीन बनाने के लिए तैयार है और इसको मैंने कई बार पानी से वॉश किया था क्योंकि इसमें हमने सोडा डाला था, तो सोडा और नमक था तो हमारे पौधे गल जाते। चने की दाल फ्राई होके ऊपर आ जाएगी फ्रेंड्स, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। देखिए जैसे जैसे पकती जा रही है वैसे वैसे दाल पूरी ऊपर को आती जाएगी और इसका कलर भी हल्का सा ब्राउन होता जाएगा गोल्डन कलर में। देखिए ये दाल हमारी पकती जा रही है। देखिए ये अभी पक चुकी है, बस अभी क्रंची हो रही है। देखिए कितनी है मेरे फेस पे, आप गर्मी देख रहे हैं। इसी तरह हम सारी दाल को फ्राई कर लेंगे। दाल फ्राई करने के बाद फिर हम ये कर सकते हैं, ये जो सूखा रखे हैं उनको फ्राई करेंगे क्योंकि हमें। फिर
फिर हम इस दाल में मसाला मिलाएंगे, फिर हमारी ये चने की दाल नमकीन तैयार हो जाएगी खाने के लिए। लाल मिर्च पाउडर, सफ़ेद नमक, कश्मीरी मिर्च, चाट पाउडर, अमचूर पाउडर, काला नमक, ये सबको हम अच्छी तरीके से मिला देंगे इनको। मिर्च आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग मिलाइएगा, मुझे कम लगेगा तो मैं फिर मिला दूँगी।